दो पक्षों की मारपीट में परिवार के तीन लोग घायल, हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती। दो पक्षों की मारपीट में संदीप कुमार, विनोद साव एवं सुनैना देवी पर जानलेवा हमला किया गया। यह सभी हेदलाक गोविंदपुर हजारीबाग के रहने वाले हैं, जो अभी हजारीबाग सदर अस्पताल में तीनों भर्ती हैं। घायल विनोद साव ने बताया कि उनके पड़ोसी राजू साव, महावीर साव, मंगरी देवी, अनीता देवी, विक्रम कुमार, राहुल कुमार, फूलो देवी, प्रीति कुमारी, यह सभी लोगों ने सोमवार को सुबह 6:30 बजे लाठी डंडा व धारदार हथियार की सहायता से जानलेवा हमला किया। घायल विनोद साव ने बताया कि आए दिन वो लोग हमारे परिवार को बेवजह छोटी छोटी बातों पर तंग किया करते हैं और कई बार लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। 21 मार्च को सुबह सारा परिवार एकत्रित होकर इन तीनों पर टूट पड़े, जिसमें पिता, पुत्र एवं दादी बुरी तरह से घायल हो गए। बताते चले कि घायलों का इलाज सदर अस्पताल हजारीबाग में चल रहा है। मामले को लेकर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। विनोद साव उनका पूरा परिवार घटना को लेकर भयभीत है, क्योंकि उन्हें बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लाख गोविंदपुर निवासी हैं, और हमारे घर में आज घर के बाहर बगल बतिया है, उसने हम पे हमला कर दिया धारदार हथियार से, तलवार, खर्चा, लाठी और माथा वाथा पूरा फट गया, पूरे शरीर में पूरा चोट लगा है। और हम लोग ने भी किसी तरह हॉस्पिटल में जान आए हैं, किसी तरह से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और हम लोग ज़्यादा परेशान है सर। प्रशासन से ये निवेदन करते हैं हम लोग को जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। कितने लोग भर्ती हैं आपको? हम लोग सर दो लोग हैं, उन लोग 5-6-7 हैं, 7 जन पूरा मिलकर मारा है सर। क्या वजह क्या था? वजह सर ये छोटा मोटा लड़ाई के लिए फैमिली में, और हम लोग घर पे नहीं रहती है, मम्मी घर पे रहती है, उन लोग के घर पर से गंदा गालियाँ निकालती है, अश्लील गालियाँ देते हैं और मम्मी पे पत्थर लेला उन लोग चलाता है सर। हम लोग अभी घर पे नहीं रहते, हम लोग अभी आ रहे हैं सर, हम लोग बाहर नहीं रहते।